नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। साथियों, उत्तर प्रदेश में आजकल एक नई तरह की राजनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हैं और इस दौरान एक प्रमुख तौर पर एक नए चेहरे को, एक नए विशेष वर्ग को साधने का पूरा प्रयास राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है, जिसे कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग बोलते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रबुद्ध वर्ग के बारे में जानते नहीं हैं, जो ये भी नहीं जानते कि आखिर ये प्रबुद्ध वर्ग है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से ये प्रयास जारी है कि इस बार का जो ये विधानसभा चुनाव है उसमें इस प्रबुद्ध वर्ग को अगर साध लिया तो उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता जमा लेंगे। दूसरी अहम चीज यह है कि यह प्रबुद्ध वर्ग आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि प्रबुद्ध वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण वोट बैंक, उत्तर प्रदेश में करीब 14% ब्राह्मण वोट बैंक है और अगर इसमें भूमिहार वोट बैंक को भी जोड़ दिया जाए तो यह करीब 17% हो जाता है। कहा यह जाता है कि यह 17% वोट बैंक जिधर भी जाता है उधर उत्तर प्रदेश में उस पार्टी की सरकार बन जाती है। दूसरी चीज यह है कि यह ब्राह्मण वोट बैंक वो है कि अगर वो उसकी सत्ता में बना हुआ है या उसने उसको वोट दिया है तो वो ज्यादा कुछ मांगता नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि बीते एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों को कुछ मिला है तो वो या तो मंत्री का चेहरा मिला है, उससे ऊपर कुछ नहीं। सबसे अहम बात यह है कि अगर कांग्रेस को छोड़ दे तो ये ब्राह्मणों का वोट बैंक सबसे ज्यादा और पूरा किसी को नहीं मिला। कांग्रेस ने एनडी तिवारी को आखिरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था और उन्हें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का वोट बैंक मिला था। दूसरी अहम चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब ये ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत पहले बहुजन समाज पार्टी ने की थी। सतीश चंद मिश्रा जो कि महासचिव हैं पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने 70 जिलों में जाकर इस सम्मेलन को किया, उसके बाद बीजेपी और उसके बाद सपा। लगातार ये कोशिश है कि इन प्रबुद्ध वर्ग को, इस ब्राह्मण वोट बैंक को साधा जाए, इसे अपने पाले में किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सारी अन्य और भी समस्याएं हैं जिस पर कहीं ना कहीं मौजूदा विपक्ष, मौजूदा सत्ता दल अपनी नजर नहीं बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन प्रबुद्धों में, ऐसा ब्राह्मणों में ऐसा क्या दिख गया इन पार्टियों को कि वो इनकी प्रबुद्धता को साधने के लिए सम्मेलन करने लगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान सुनिए और ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, उससे पहले आप सब जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, लेकिन शायद इनको नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को पहले भी। और अगर इनको उतना प्यार है ब्राह्मणों से तो चाहे अखिलेश यादव जी हो उनकी पार्टी हो या मायावती जी हो उनकी पार्टी हो या भाजपा हो, ब्राह्मण चेहरा क्यों नहीं मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को दे। अगर इतना ही, आज देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इससे पहले भी जब अखिलेश यादव सीएम थे तो सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो ब्राह्मणों के ऊपर, दलितों के ऊपर। आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सबको साथ ले जाने का काम कर रही है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जात पात को लेकर के नहीं चलती है, लेकिन चाहे वो दलित की बात हो, चाहे वो ब्राह्मण की बात हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म की बात हो, हर मुद्दे पे, चाहे अति पिछड़ा की बात हो, हर मुद्दे पे हम सब मिलजुल करके एक साथ और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। हमेशा हमने जो जिस वर्ग के साथ अत्याचार हुआ उसका मामला उठाने का काम किया, ब्राह्मण समाज के साथ जो घटनाएं हुई विक्रूकांड के बाद, चाहे वो खुशी दुबे और उनके परिवार की महिलाओं को जेल में सड़ाने का काम योगी सरकार कर रही, वो सारे मुद्दे हमने उठाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलनों की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग है, जो बहुजन समाज पार्टी या सपा जिस तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है उससे बिल्कुल उतर है। एक जाति विशेष के साथ जोड़ करके इन सम्मेलनों को देखना वो उचित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझती है और यही सत्य है। सभी जातियों में, सभी समाज में प्रबुद्ध वर्ग होता है और जो प्रबुद्ध वर्ग होता है उसकी जिम्मेदारी सर्व समाज के लिए होती है और उस सर्व समाज को जोड़ने वाली शक्ति जिन प्रबुद्ध जनों में निहित होती है उनके साथ मिलकर के एक संवाद स्थापित करना और भविष्य का रोडमैप तैयार करना, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और लोगों को जोड़ रही है।
तो साथियों आपने बयान सुने अलग अलग राजनीतिक दलों के कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो ब्राह्मण वोट बैंक है, ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन है और ब्राह्मणों का वोट अपने पाले में खींच कर उसे सत्ता तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो अलग अलग पार्टियों का जारी है। कोशिश सबकी यही है कि इस बार कुछ भी किया जाए और इस ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए। अहम बात यह है कि 2012 से अगर हम देखें तो 2012 से एक बड़ा हिस्सा करीब 80% जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में गिरता आया है, लेकिन इस बार जिस तरह से विपक्षियों ने लहर बनाई है कि जो ब्राह्मण है वो बीजेपी से काफी नाराज है, तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को मिलेगा, इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा किसको मिलेगा, ये जो राजनीतिक गठजोड़ है इस पर लगभग सारी बिसातें बिछी हुई हैं और इस पर जो अलग अलग पार्टियां हैं वो चालें चल रही हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और अलग अलग पार्टियों से अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही हैं बीजेपी से जो पार्टी का पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएंगे, और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन जिसे प्रबुद्ध सम्मेलन या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी कहा जा सकता है। बसपा कह रही है कि आप लोग उनकी नकल कर रहे हैं, तो आप लोग किसी की नकल क्यों कर रहे हैं? आप लोग का क्या कुछ अपना कोई रोड मैप नहीं था कि आप लोग दूसरे की नकल करने लगे? ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो परसेप्शन जो आपके द्वारा चाहे विरोधी दलों के द्वारा सेट किया जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा शुद्ध करना चाहूंगा। मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा सर, मैं तो खाली बता रहा हूँ जो आपने कहा, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ अपने ओपनिंग रिमार्क नहीं में। मुझे उस कैटेगरी में मत खड़ा करिए, मैं तो खाली ये चीज बता रहा हूँ कि आखिर ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन या प्रबुद्ध वर्ग है क्या, क्योंकि बहुतों को पता नहीं प्रबुद्ध क्या है। जी नितिन जी सही बात है, एकदम नहीं पता है, मैं उसके बारे में इसीलिए मैं उसका खुलासा करके चीजों को बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रबुद्ध वर्ग मतलब ब्राह्मण नहीं है। प्रबुद्ध वर्ग का मतलब है हर समाज, हर जाति, हर तबके के प्रबुद्ध लोगों को हम प्रबुद्ध वर्ग में शामिल करते हैं। हमारा ये कोई जातिवार सम्मेलन नहीं है नितिन जी, न इसमें ब्राह्मण है, न इसमें राजपूत है, न इसमें दलित है, न इसमें मुस्लिम है। नहीं तो ये खाली सभी लोग हैं, ये खाली बीजेपी, ये खाली बीजेपी का नितिन जी, ये खाली बीजेपी का ही फंडा है या फिर अन्य पार्टियों का भी फंडा है कि उनमें सारी राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं? आपने जैसा बताया कि कई सारी जातियां हैं और उसमें हम एक जो वर्ग हमने बनाया प्रबुद्ध वर्ग, उसमें कई सारी जातियां हैं, कई सारी जातियों के लोग हैं, उन लोगों को लिया हुआ है, लेकिन दूसरी पार्टियां तो कह रही है कि ब्राह्मणों को ही लिया जा रहा है। मैं उसी का क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ कि मैं इस चीज का जो भ्रम जाल की स्थिति है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरी पूरी बात जाने दीजिए तो समझ में आएगा। तो जो मैंने पहले बातों को कहा इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको किसी जाति में नहीं बांटा है, और हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और उसमें सबका प्रयास भी जुड़ गया, अब इस नारे को चरितार्थ करता हुआ ये प्रबुद्ध सम्मेलन है जिसमें हर तबके के, आजकल एक विरोधी दलों के द्वारा एक बहुत बढ़िया मतलब एक सुनियोजित आंदोलन चलाया जा रहा है, जो दिख नहीं रहा है, वो आंदोलन दिख नहीं रहा है कहीं की, ये जैसे किसान आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो, दिखता वो दिख नहीं रहा है, एक भ्रम आंदोलन चलाया जा रहा है। नहीं तो ये आंदोलन को अश्विनी जी ये चलाया क्यों जा रहा, सवाल ये है क्योंकि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि इस सरकार, ना ना वो कह रहा है कि जवाब आपके सारे, हमको एक मिनट का समय दीजिए, जितने सवाल उठ रहे हैं सबका जवाब आपके मेरे ही बातों में आ जाएगा। ये जो भ्रम आंदोलन चलाया जा रहा है वो इसलिए चलाया जा रहा है कि भ्रम आंदोलन के अलावा कोई भी तथ्य माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए इनके पास नहीं है। तो चाहे जिस विषय पर ले लीजिए, वो कोरोना काल में हो वहां मुंह की खानी पड़ी, वो आज जो है रोजगार के संबंध में हो वहां मुंह की खानी पड़ी, गन्ना भुगतान पर मुंह की खानी पड़ी, किसानों के लिए किए गए कार्यक्रमों में मुंह की खानी पड़ी, कोई भी तथ्य नहीं है न समाजवादी पार्टी के पास न कांग्रेस के पास। तो आज ये भ्रम आंदोलन फैलाकर ये इस समय जनता के बीच में कुछ भ्रमित किया जाना सर, ये लोग चाहते हैं ये विपक्ष, उसी लिए एक लाइन है सर, एक लाइन मेरी भी सुन लीजिए सर,
ये बार बार विपक्ष ऐसा क्यों कहता है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का शोषण हुआ, चाहे वो कानून व्यवस्था के नजरिए से कहा जाए या फिर किसी अन्य नजरिए से कहा जाए, और उसी वजह से ये जो विपक्षी पार्टियां इस तरह का सम्मेलन करने पर मजबूर हो गई, ये इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? मैं पिछला एक लाइन में पूरा कर रहा था और थोड़ा सा नितिन जी उसमें देखिए वो भ्रम जो फैलाया गया है, मैं ये प्रबुद्ध सम्मेलन और ये दोनों इसका भी जवाब दे रहा हूं मैं, वहां पर ये भ्रम इसलिए फैलाया गया है तो हम लोग जो प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं, समाज के जो पढ़े लिखे तबके हैं, जो हमने एक कल जैसे हम लोगों ने 5 तारीख को शुरू किया तो कल गुरुओं का दिन था, सारे गुरु जो हमको पढ़ाए हैं आपको पढ़ाए हैं सारे प्रबुद्ध हैं, इन लोगों के साथ कम से कम जो चीजों को समझ रहे हैं उस भ्रमजाल को तोड़ने का काम करेंगे, हम उनको अपनी चीजें बताएंगे कि ये भ्रम है और ये वास्तविकता है। नहीं तो सर, समाज में विपक्ष हमारी चीजें फैलेंगी। सर विपक्ष ये क्यों कहता रहता है कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश? जी, मैं अब बताता हूँ। एक मिथक कोई चीज बना लिया जाता है, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तो हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था जाति न पूछो साधु की, ये इतना काम माननीय योगी जी ने कर दिया, इतना विरोधियों को परास्त करने का काम कर दिया कि इन लोगों को उनकी जाति खोजनी पड़ी। सर खुशी दुबे भी ब्राह्मण है। जी मैं आता हूँ। सर प्रभात मिश्रा के सर पे गोली मारी गई थी, और एक और बड़ा मामला जो था वो था इंद्रकांत त्रिपाठी का, एक IPS अधिकारी थे जिन्होंने इतना दबाव बनाया कि सारी घटनाएं जो घटी वो आप सबको पता है, लेकिन आज तक वो IPS अधिकारी नहीं पकड़ा गया। तो ये तीनों भी ब्राह्मण थे और इन तीनों के साथ भी शायद अच्छा नहीं हुआ, मेरे नजरिए से, जनता के नजरिए से, विपक्ष के नजरिए से। आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। नितिन जी, संतोष शुक्ला भी ब्राह्मण थे, देवेंद्र मिश्रा जो शहीद हो गए वहां पर सीओ के या खुशी दुबे के पति के द्वारा जो आतंक फैलाया गया था उनके साथियों के द्वारा, खुशी दुबे के साथ सही हो रहा है? देखिए ये न्यायालय में है, न्यायालय जाने, हमारा काम था पकड़ के देना, न्यायालय का काम है उनको, अगर वो निर्दोष होंगी तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सर, क्या संतोष शुक्ला ब्राह्मण नहीं थे? क्या देवेंद्र मिश्रा ब्राह्मण नहीं थे? जवाब ले लेते सर, विपक्षी आतंकियों ने शहीद कर दिया। सर ये सवाल, इस तरह के सवाल विपक्ष ही पूछता है आप लोगों से, मैं उन्हीं लोग से जवाब ले लेता हूँ। आज तो जज की भूमिका में नितिन जी आप हैं। नहीं सर, मैं कोई जज की भूमिका में नहीं, मैं तो सर एक माध्यम हूँ। ना अश्विनी जी, मैं एक खाली माध्यम हूँ जनता तक बात पहुंचाने की और ये सवाल पूछ लेने की आप लोगों से, क्योंकि जनता सीधे आप लोगों से सवाल नहीं पूछ पाती है, तो मैं एक खाली एक माध्यम हूँ। मैं विपक्षियों के पास जाऊंगा क्योंकि यही लोग लगातार आप लोगों से ये सवाल पूछते आए हैं कि ब्राह्मणों का शोषण हुआ है। समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हैं। विवेक जी, क्यों आप लोग इस तरह के जो मिथक है वो फैलाते हैं, एनार्किस्ट वाला काम क्यों करते हैं आप लोग कि ब्राह्मणों के साथ शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है? बीजेपी तो सब कुछ बेहतर कर रही है, योगी जी कितना बेहतर काम कर रहे हैं, अश्विनी जी ने बताया और उन्होंने संतोष शुक्ला और कई सारे और नाम गिना दिए, खुशी दुबे के, अगर जब मैंने खुशी दुबे का नाम लिया उसके उसके बदले में। पूरे मंच को पहले तो सर इधर धन्यवाद देते हुए, मैं सुन रहा था जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे। देखिए सवाल हम नहीं उठाते हैं, ये आज आए हैं प्रबुद्ध सम्मेलन करने ना, मुझे लगता है कि इसके पहले जब दूसरी पार्टियां या जब हम स्वयं अपना प्रबुद्ध सम्मेलन या ब्राह्मण सम्मेलन जब करने उठे थे उस समय इन्होंने बड़ी कटाक्ष और आलोचना की थी। नहीं तो इनका प्रबुद्ध तो ब्राह्मण सम्मेलन बिल्कुल है। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। इन्होंने एक वाक्य इन्होंने और कहा था, आपने शायद उसे ध्यान नहीं दिया, पढ़े लिखे लोग इस प्रबुद्ध सम्मेलन का जो हिस्सा है केवल पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ये आम जनमानस जो है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। तो पहले तो आप इनकी मंशा को समझिए, ठीक है? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 21 में आज तक 6 मुख्यमंत्री जो रहे ब्राह्मण रहे, लेकिन जिस तरह से मौजूदा योगी सरकार ने पहली बार इतिहास में दर्ज हुआ कि केवल और केवल ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंस गिनवाए जा रहे थे, केवल और केवल ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी, और आज तक उन हत्याओं का आंकड़ा इन्होंने जारी नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तो प्रमाणित है। 500 तो आपको गूगल बाबा दे देंगे, 500 ब्राह्मणों की हत्याओं का पूरा प्रमाण तो आपको गूगल बाबा दे देंगे, और जो भारतीय ब्राह्मण के एक से एक संगठन बने हुए हैं ब्राह्मण समाज के, वो तो इसके आंकड़े 2500 से ऊपर बताते हैं। तो कोई अपराध करेगा उसका एनकाउंटर ना करें? मैंने अपराधी का तो नाम ही नहीं लिया, मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जिनकी हत्याएं गांव में हुई, जिनकी हत्याएं रंजिशों में की गई, जिनकी हत्याएं किसी अपराध को कारित करते समय की गई। मैं अपराधियों का नाम ही ले रहा हूं,
लेकिन आप एक बात समझिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब ब्राह्मणों की बात होती है तो किसी ना किसी तरह घुमा करके अपराधी से ब्राह्मणों को जोड़ने का काम करने का काम कर रही है सरकार। मैंने क्या कहा आपसे? मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं उसको मैं प्रमाणित कर देता हूं। एक ब्राह्मण दोषी था, हत्यारा था, उसकी आपने एनकाउंटर किया, उस पर हमें कोई आक्षेप नहीं, हम कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन उसी ब्राह्मण को पूरी तरह से संरक्षित करने वाला एक ब्यूरोक्रेट आईएएस आज भी आपका पदाधिकारी बना हुआ है, सत्ता का करीबी है, उसकी तो सोशल मीडिया पे एक से एक पिक्चर वायरल हुई, अधिकारियों के नाम आए, अब तो जो टास्क फोर्स बनी थी, जो एसआईटी गठित हुई थी, वो भी सामने आ गई, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई। संरक्षण किसके थे? संरक्षण आप ही के शासनकाल में जो वर्तमान निर्वाचित अधिकारी आपने पदस्थ कर रखे हैं उन्हीं के संरक्षण में तो पला बढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात है, उस अधिकारी के ऊपर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की भाई, जो आज भी आपका सबसे प्रिय और सबसे करीबी आपने बना रखा है सत्ता नहीं के? ये तो जांच का विषय है, ये तो देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, जांच का विषय है। खुशी दुबे का नाम आया, खुशी दुबे वो 3 दिन की ब्याता जेल चली गई, ठीक, उसके बाद इन्हीं के अधिकारी पुलिस के कहते हैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कि हम उसे छोड़ने वाले हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे और धाराएं बढ़ा दी गई? चलिए कोई बात नहीं, ये भी जांच का विषय है। तो जांच का विषय तो ये भी है ना कि जब आपके ही किसी करीबी सत्ताधारी अधिकारी का फोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे बराबर, तो उसको आप कम से कम एक कड़ा संदेश देते हुए कम से कम पदच्युत तो करते, एक नोटिस तो दे सकते थे, कम से कम कारण बताओ नोटिस तो दे सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि योगी सरकार जो है, देखिए, बड़ी ही संकीर्ण मानसिकता के साथ काम कर रही है। मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं आज अपने अधिकार की बात करूं तो चलिए आपने क्योंकि देखिए मैं अभी आप ही के ओपनिंग स्टेटमेंट पे चलूंगा, अभी मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा अपराधी, अपराधियों को आपने ब्राह्मण की परिधि से कैसे जोड़ दिया? कैसे आपने अपराधियों, जब मैं ब्राह्मणों की बातें आपने उठाई तो उसमें अपराधी कहां से आ गया? जो अपराधी, अपराधी की तो कोई जाति ही नहीं होती है, अपराधी को दंड देना कानून का काम है, कानून अपना काम करे। कौन सा ब्राह्मण समाज गया उसके लिए आप आवाज बुलंद कर रहे? कौन सा ब्राह्मण संगठन गया उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे? तो खुशी दुबे के लिए तो आप लोग भी नहीं गए ना? खुशी दुबे के लिए सरकार खुद जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है, मेरा ये कहना है। नहीं तो आप लोगों को तो आगे आना चाहिए था ना, क्योंकि हम बराबर आगे भी आए हैं, हम उसके परिवार से भी मिल चुके हैं, बाराबंकी हमारे लोग भी जा चुके हैं। आप लोगों ने सुन लीजिए, जहां बाराबंकी उसके लोग भी जा चुके हैं, जहां उसको रखा गया है बालिका सुधार गृह में, उस बाकायदा वहां जाकर के मुलाकात करने का भी प्रयास किया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन ठीक है, कानूनी दायरे होते हैं, मर्यादाएं होती है। मेरा ये सवाल है, उसी खुशी दुबे को 3 दिन 4 दिन के बाद कैसे आपने कह दिया था, घोषणा कर दी थी कि हम उसको छोड़ने वाले हैं, और अचानक उस 2 दिन में क्या हुआ कि आपने उसके ऊपर धाराएं बढ़ा दी? तो ये सवाल तो देखिए सरकार के ऊपर है। अब आ जाइए मेरी बात पे, नहीं तो, ये तो आपकी बात का जवाब था, मेरी बात भी सुन लीजिए। अब आप उत्तर प्रदेश के 62 में 62 जिलों में ब्राह्मणों का बोलबाला है, जिसमें 31 जिलों में 13 से 14% की संख्या है हमारी। और सुन लीजिए सबसे बड़ी बात, वाराणसी 16%, मथुरा कानपुर 17% के साथ राजधानी में 13% ब्राह्मण अपना महत्व रखता है। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन अभी की क्या समस्या है ये जो सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि बसपा ने पहले सम्मेलन किया, बसपा ने कहा कि सपा हमारी जो है वो नकल कर रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो ब्राह्मण समाज का उद्घोष है, जय परशुराम से देखा जाता है, जैसे कहते हैं हर समाज का अपना एक उद्घोष होता है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो दूसरी जातियों को प्रणाम करते हैं, हम तो दूसरी जातियों को नमन करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए योगी सरकार, कि क्या कारण था कि परशुराम जयंती को आपने बंद कर दिया? परशुराम जयंती को बंद करने का कारण क्या था? क्या यह ब्राह्मण समाज की भावनाओं पे कुठाराघात करने का प्रयास आपने नहीं किया? चलिए इन चीजों का जवाब, क्यों आपने केवल ब्राह्मणों के शस्त्रों के लाइसेंस गिनवाने का काम किया? इन सवालों के जवाब हम आगे लेते, जवाब दीजिए ना, अगले टर्न में लेते हैं इन सवालों के जवाब अश्विनी जी से। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, क्या कारण है कि आप लोग कोई सम्मेलन नहीं कर रहे हैं? भाई दूसरी पार्टियां सम्मेलन कर रही है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो रही है, बसपा तक कर रही है, क्योंकि बसपा को अगर हम देखें तो जब उन्होंने पिछला चुनाव हारा था तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई थी, लेकिन अब वो ब्राह्मणों को साधने निकल गए हैं। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्यों? क्या लगता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, सवाल तो बनेगा ना भाई। देखिए अगर सब लोग निकले हुए हैं, सब लोग निकले हुए हैं तो आप लोग को भी निकलना चाहिए था ना, क्यों नहीं निकले? कुछ तो कुछ उसकी क्या दूसरी कोई तैयारी है? मैं पार्टी की बात देखिए, हमारी पार्टी का मानना है हम बात करते हैं और हम किसी एक वर्ग की बात नहीं करते हैं, हम आखिरी पायदान पे बैठे व्यक्ति की भी बात करते हैं, जो प्रथम स्थान पे होता है उसकी बात भी करते हैं। हमने कभी जाति, बिरादरी, धर्म, इन सब चीजों को तवज्जो नहीं दिया हुआ है।
आप देखिए, कांग्रेस पार्टी तकरीबन 32 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है और हमने हमेशा जनता की बात की है, जनता के मुद्दों को उठाया है और उसी के लिए जवाब मांगते रहे हैं और मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आज, इनसे ये लोग मुंह चुराते फिर रहे हैं। अभी जैसे बड़े हमारे बड़े भाई अश्विनी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अभी उन्होंने बीच में एक बात का जिक्र किया कि विपक्षी लोग योगी आदित्यनाथ जी की जात बिरादरी भी ढूंढने पे निकल पड़े। अरे श्रीमान, आप तो वो लोग हैं जो हनुमान जी की जाति खोज लाते हैं और सीता माता को आप टेस्टिक्यू बेबी बता देते हैं। आप तो वो लोग हैं, हमें खैर हम इस पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि आप तो वो लोग हैं जो श्री राम जी को लेकर के चले आते हैं, जब चुनाव आता है तो उनकी गोद में जा करके आरएसएस की बैठ जाते हैं। आप लोग तो हम उसकी बात भी नहीं कहेंगे, हम तो बात इतनी कहेंगे साहब आप हमें बता दीजिए किसानों के लिए क्या किया आपने। आपने कहा हमने भुगतान किया। अरे श्रीमान महोदय, आपको याद होगा कि एक प्रावधान है कि अगर 14 दिनों में गन्ना किसान भुगतान नहीं होता है तो उसके साथ प्रावधान है कि ब्याज के साथ अतिरिक्त आपको पैसा देना पड़ता है। कितना आपने अतिरिक्त पैसा दिया और कहाँ पे दिया, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, महंगाई के लिए आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया। आज वो रैप वर्क वाली महिला कहाँ चली गई। मुद्दा ब्राह्मण वोट बैंक है तो अभी उस पर बात हो रही है। देखिए ये सब जो मुद्दे हैं सरकार उस पर भी बात कर लेगी, काम कर रही है। बात नहीं, जैसे देखिए मैंने तो अभी बात स्टार्ट ही नहीं की। मैंने तो जो अभी हमारे बड़े भाई अश्विनी जी ने जो बात कही थी उसका मैंने जवाब देना चालू किया। अभी तो मैंने कुछ बात कही ही नहीं है। और बात जहां तक आपके प्रश्न की है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी कभी भी जात बिरादरी या धर्म के नाम पे कभी वोट नहीं मांगती है। वो सभी लोगों को सुनने में आ रहा था राजनीतिक गलियारों से ये सुनने में आ रहा था कि इस बार आप लोग किसी ब्राह्मण चेहरे को कैंडिडेट के तौर पर उतार सकते हैं उत्तर प्रदेश में। आपको ऐसे सुनने में आ रहा है तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमारे सुनने में तो ऐसा कुछ भी नहीं कि पार्टी की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और समय आने वाला समय तय करेगा। और अगर ब्राह्मणों की बात करें तो इकलौती कांग्रेस पार्टी है जिसने 6-6 मुख्यमंत्री दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और किसी पार्टी ने नहीं दिए हैं। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। चलिए ठीक है। बात खुशी दुबे की हो रही है, इनके वो मंत्री कहाँ चले गए जिन्होंने बोला था कि खुशी दुबे निर्दोष है और जल्दी उनको छोड़ दिया जाएगा, तो आज तक उनको छोड़ा नहीं गया। क्यों नहीं छोड़ा गया भाई? और अगर आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं तो वो पत्रकार साथियों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन की बात करते ब्राह्मणों के लिए तो मैं आपको प्रमुख बिंदु बता दूं, हमारे बड़े भाई अश्विनी जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हरदोई की घटना इनको याद होगी कि कैसे केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी जी जो है, जब इनके हरदोई के जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे, टेनी जी बैठे हुए थे, ब्राह्मण वर्ग का एक व्यक्ति गया हुआ था, उसने अपनी बात को कहना चालू किया तो टेनी जी नाराज हो गए, कहने लगे ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है, और अगर कार्यकर्ता है तो उसे तत्काल प्रभाव से निकाल के बाहर कीजिए। तो ये लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर सकते, समाज के लिए क्या करेंगे? तो विरोध करने पे तो आप लोगों ने भी कईयों को निकाल दिया है भाई। नहीं, हमने निकाला किसी को नहीं है। जो जा सकते हैं बिल्कुल जाए, अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो जरूर जा सकता है, लेकिन हमने हर किसी को स्वतंत्रता दे रखी है। आप अपनी बात कहिए। चलिए मैं आप बाकी लोगों से भी जवाब ले लेता हूँ। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुभाष जी, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, क्योंकि देखने को जिस तरह से मिल रहा है कल आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन राजधानी लखनऊ में होगा, मायावती वहां पर खुद मौजूद रहेंगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने भी ये काम कर दिया है, बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये कोशिश है कि कुछ भी करके ये वोट बैंक जो है अपने खाते में किया जाए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हमारे प्रबुद्ध वर्ग में कोई जाति विशेष नहीं है, हमारे प्रबुद्ध वर्ग में वो लोग हैं जो समाज में अच्छी पढ़ी लिखी सोच को रखते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और जो अन्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, क्या उन पर विचार नहीं करना चाहिए था? जो अन्य जातियां हैं उत्तर प्रदेश की, क्या उन पर विचार नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें साधना जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या खाली ब्राह्मण वोट बैंक साधना और ब्राह्मण वोट बैंक मिल जाने से ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती? लेकिन नितिन जी, आपका जो सवाल है, सवाल का जो जवाब एक छोटे से आंसर के अंदर ही मिल जाता है। कुछ दिन पहले भी आप ही के चैनल पे आप ही बैठे हुए थे, उस डिबेट के अंदर मैं भी था। उस डिबेट के अंदर आपने एक सवाल पूछा था कि छोटे दलों का कितना महत्व है।
तो उसके अंदर भी मैंने इस बात के ऊपर प्रकाश डाला था कि जो छोटे दल पनपे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जातियों को लेकर और कहीं ना कहीं अपने व्यक्ति विशेष को लेकर पनपे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो चुनाव की बात हो रही है, जो ब्राह्मणों की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ यहाँ प्रबुद्ध वर्ग की ही बात नहीं करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ और सिर्फ आज के दौर के अंदर जातियों तक ही सीमित रह गया है। उसको आप ब्राह्मण को काउंट कर लीजिए, ओबीसी वर्ग को काउंट कर लीजिए। मुझे समझ में ये चीज नहीं आती है कि भारत देश की दशा और दिशा करने वाला चुनाव, दशा तय करने वाला चुनाव आज के दौर के अंदर भी हम लोग जातियों के अंदर क्यों बटे हुए हैं। रही बात ब्राह्मण वर्ग की, तो ब्राह्मण वर्ग सदियों से ही बुद्धिमत्ता का अपना परिचय देता आया है, तो मुझे समझ में आता है कि उन्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण जो वर्ग जो परिचय वो लोग देते आए हैं, क्या उस परिचय के बिहाफ में या उस परिचय के अगर बताए जो परिचय उन लोग ने दिया है उसके बदले उन्हें सही चीज मिली है? देखिए, सही चीज मिली है या नहीं मिली है इसका फैसला तो ब्राह्मण वर्ग के लोग ही करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जिस भी पार्टी के साथ में गया है, हम चले जाते हैं थोड़ा सा पीछे 2007 के अंदर, 2007 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, उसके अंदर बहन मायावती जी ने 86 विधायकों और 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था और वो करीब सभी लोग जीत गए थे, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी। 2012 के अंदर आ जाते हैं, 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया, 46 ब्राह्मण जीत के आए, उनकी सरकार बनी। 2017 के अंदर आ जाइए, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बनी वो भी ब्राह्मणों के बलबूते बनी है। तो कहीं ना कहीं 13-14% जो ब्राह्मण वोट है वो हर सरकार को बनाने के लिए निर्णायक वोट है। तो ये विपक्ष वाले क्यों कहते हैं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है ब्राह्मणों का? देखिए, विपक्ष का कहना है आरोप लगाना, विपक्ष तो आरोप लगाएगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है। पक्ष, अगर ये जो विपक्ष आज बैठा हुआ है, ये विपक्ष कल को अगर सत्ता के अंदर बैठेगा और जो पक्ष इस समय सत्ता में बैठा हुआ यही पक्ष कल को इन्हीं के ऊपर आरोप लगाएगा, तो ये आरोप और प्रत्यारोप तो दोनों ही पार्टियों के अंदर, तीनों ही पार्टियों के अंदर चलता रहेगा। लेकिन मेरा सवाल इन तीनों ही पार्टियों से, क्या आप लोग ब्राह्मण वर्ग को, प्रबुद्ध वर्ग को या दूसरी जातियां हैं उनको सिर्फ आप लोग क्या वोट बैंक के ही रूप में लेंगे? दूसरा, आप लोगों को दिखता नहीं इनके बाद हक की जो बात आप करते हैं, जैसे कि अभी आपने एक सवाल पूछा था खुशी दुबे वाला मैटर, खुशी दुबे का आरोप क्या है? मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि खुशी दुबे ने क्या किया था? किसी आरोपी के साथ में अगर उसकी शादी हो गई तो क्या वो भी आरोपी हो गई? 2 दिन हुए थे शादी को, शादी के 2 दिन बाद आपने उसको अरेस्ट कर लिया, उसकी गलती क्या थी? किसी गुनाहगार के साथ में रहना क्या उसका गुनाह हो गया? और गुनाह अभी तक भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन आप ब्राह्मणों की बात करते हैं। अभिषेक कुछ बोलना चाहते हैं, शायद आपके कुछ जवाब देना चाहते हैं। अभिषेक क्या कहना चाहते हैं, कोई जवाब है क्या आपके पास? मैं अपने मित्र की बातों ने कहीं पे भी किसी भी सम्मेलन के लिए उसने नहीं कहा है, हमेशा वो जब बात करती है तो सभी लोगों के, सभी वर्गों की बात करती है। जैसा कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में स्टार्टिंग में भी कहा था, तो आपने कहा था कि नहीं आज अभी ब्राह्मणों की बात हो रही है, क्योंकि मैं सभी वर्गों की बात कर रहा था और होनी चाहिए थी वो बातें। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्या महंगाई सभी वर्गों के लिए नहीं आती है? क्या किसान सभी वर्गों के लिए नहीं है? क्या महिला सुरक्षा सभी वर्गों के लिए नहीं है? क्या व्यापारी वर्ग सभी वर्गों के लिए नहीं है? होनी चाहिए। मैं अपने अपने भाई के मित्र, अपने मित्र की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आखिर हमें क्या जरूरत पड़ गई, हम कब तक वोट बैंक की तरीके से, मैं पर्टिकुलर कोई इसमें पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज की डेट में हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज लोगों की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान। ये जात बिरादरी क्या रोटी दे देंगी आपको? चलिए जवाब लेते हैं, बीजेपी से जवाब लेते हैं इसका। अश्विनी जी, ये जो सारे सवाल खड़े हो गए, कई सारे जो अलग अलग पार्टियों ने सवाल खड़े किए आपके सामने, क्या जवाब है इसका आपके पास? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अन्य जो दूसरी जातियां हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, अन्य जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, इस वक्त जो सबसे ज्यादा समस्या है वो रोटी कपड़ा मकान की है, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, खाली ये प्रबुद्ध वर्ग के बारे में ही सोचा जा रहा है, और ये वर्ग वो वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, जैसा कि अभी आपने कहा था, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, क्या उसके बारे में कुछ सोचना है या नहीं है? देना है तो थोड़ा सा जो है नहीं, मैं आपके साथ हूँ सर, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं ये आप जवाब देना चाहता हूँ, हमारे सपा के मित्र ने बहुत देर से जो है मैं ब्राह्मण हूँ। अरे भाई, अगर आप ब्राह्मण है अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन वो जो जाति के आधारित पर ही जन्म ली हुई पार्टी यादव महासभा यानी की सपा जो है उसके आप मेंबर है। आपने बहुत तेजी से खुशी दुबे की और एक हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने सवाल किया खुशी दुबे पर, तो क्या आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं ठीक है, उनको कानून ने पकड़ा और जेल में बंद किया, अब न्यायपालिका का काम है उनको छोड़ना और नहीं छोड़ना। तो अगर आपको अपने न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो ये सवाल आप लोग सरकार जवाब देना चाहते हैं, कुछ बीच में बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं इन लोग का हिस्सा उसके बाद। मेरा ये था कि खुशी दुबे को जब गिरफ्तार किया गया तो आपके जिम्मे
अधिकारियों ने, मंत्रियों ने दो दिन तीन दिन के बाद वक्तव्य कैसे जारी कर दिया था कि हम खुशी दुबे को छोड़ने वाले हैं, और अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या बदला कि खुशी दुबे के खिलाफ ऐसे क्या साक्ष्य पाए गए जो कि आज तक न्यायालय के समक्ष भी नहीं आए कि आपने उसके ऊपर धाराएं, गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए उसको और पुरजोर तरीके से जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। मेरा तो सवाल यहाँ, मेरी बात पूरी हो जाए, आपकी बात देखिए पूरा हो गया। मैं भाई देखिए, आप पहले भी आपने बोला, दोबारा सर सर बोलिए बोलिए, आपने किया अश्विनी जी बोलिए, सुन लिया मैंने। ये कहा कि अगर आपको न्यायालय पर भरोसा है कि हिंदुस्तान के न्यायालय में न्याय होता है, आपके अधिकारी आपके नियंत्रण में नहीं है, कोई भी कुछ भी आकर कह देता है मीडिया के सामने, वो तो इतिहास हो गया। नहीं नहीं, इसी क्रम में आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हाथरस कांड में क्या कहा था कि उस बच्ची के साथ कोई भी जघन्य घटना नहीं घटी है, बाद में सीबीआई ने उसी बात को झुठला दिया था। आप ये बताइए ना, आपके अधिकारी सरकार चल रही है कि सरकार चल रही है, अधिकारी मनमाना बयान दे देगा क्या? अधिकारी मनमाना बयान देता है, सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। नितिन जी, इसका अगर हो गया हो तो मैं बोलूं। जी बोलिए। अतिक्रमण करने के लिए सपा अभी भी मतलब सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी ये इतनी आक्रामकता और इतनी जो है, अरे भाई आप सुनिए, अब इतिहास में ले चल रहा हूँ आपको, हम भी इतिहास रखते बैठे हैं, एक एक करके एक एक सबकी बात आना जरूरी है। चलिए चलिए, इतिहास पे चलिए। आपके नेता मुलायम सिंह यादव ने सरजू का पानी जब खून से लाल किया था तो वो क्या निर्दोष लोग नहीं थे? उनको मरवाया, वो कौन से अपराधी थे? आपने एनआरसी में क्या किया था? अरे सुनिए भाई, सुनेंगे तो प्रत्युत्तर भी तो लेना पड़ेगा ना। जिन कार सेवकों को आपने आगे किया, उन कार सेवकों के लिए आपने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि उस पूरे बाबरी ढांचे के विध्वंसीकरण में हम कहीं नहीं थे भाजपा ही, और सबसे कितना श्रेय दिया आज तक, कितने कार सेवकों के परिवारों को भाजपा पेंशन दे रही है, एक एक करके शहीद घोषित किया, सबकी बात आना जरूरी है। सफाई जो है ये बाबरी ढांचा कहते हैं उसको, जबकि मांगे सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, ये तो आधिकारिक शब्द है, बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट में जो बाकायदा प्रिंट फाइल, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचा कहा है मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने। और बीच में अगर बोलना हो तो सवाल मत किया कीजिए नितिन जी, बोलवा ना सर। सर मैं चुप करा रहा हूँ, आप बोलिए, हम आपका जवाब जानना चाहते हैं। मैं सबकी बातें आराम से सुन रहा हूँ, तो मैंने यही कहा कि अगर किसी की बात करें तो क्या वो निर्दोष नहीं थे? चुनार फैक्ट्री जब बेची गई, डाला फैक्ट्री जब बेची गई, तो मजदूर वहां पर अनशन कर रहे थे, वहां पर गोलियां चलवाकर 9 लोगों को, जिसमें 14 साल का एक बच्चा था, उसको माननीय मुलायम सिंह ने मरवा दिया, क्या वो निर्दोष नहीं था? उसका क्या दोष था? आज ये लोग दोष की बात करते हैं, कोई तथ्य नहीं है इनके पास। ये विकास में पीछे हो चुके हैं, ये स्वास्थ्य में पीछे हो चुके हैं, तो ये तो कहते हैं इनके विकास का पिता आप लोग, तो ये लोग इस तरह की कार अपने नागरिकों के मरने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। सदन के अंदर कहती है कि इन लोग मरे ही नहीं कोविड से, वो सरकार समाज देशभक्ति और राष्ट्रवाद सिखाने आई है, जिसने 40 साल 43 साल तिरंगे को नहीं अपनाया वो राष्ट्रवाद सिखाने आए। आपको कौन सिखाएगा? जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अध्यक्ष बनते हैं तो सैकड़ों थाने फूंक दिए जाते हैं। नहीं, वो तो दिख रहा है किसके कार्यकाल में एनसीआरपी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपका सांसद बोलता है महिलाओं का सड़क पे चीरहरण करते समय आप राष्ट्रवादी हो जाते हैं, आप चीरहरण करते हैं तो राष्ट्रवादी की परिधि में आते हैं, है ना? आपके कार्यकर्ता अगर चीरहरण करते तो राष्ट्रवादी कहे जाएंगे, है ना? कार सेवकों को आगे करके आप मरवा देते हैं, उसके बाद हलफनामा देते हैं कि हम तो थे ही नहीं, और ये राष्ट्रवादी कहे जाएंगे? कार सेवकों के परिवारों के लिए क्या किया आपने, बताइए ना? आप लोग के किसी नेता को गोली नहीं लगी? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप लोगों ने केवल धार्मिक उन्माद से जोड़ा है। कितनी महिलाओं की हत्या हुई ये आप लोग जानते हैं? फरवरी 15 में कितनी महिलाओं का लखनऊ शहर में जानकीपुरम से लेकर राजाजीपुरम तक कितने बलात्कार और कितनी हत्याएं, मेरे पास पूरा डेटा है। आप लोग ये सदाचार की बात मत करिए, और जो सरकार उसके बारे में भ्रम मत फैलाइए। भूल गए आप सोनभद्र कांड, भूल गए आप बदायूं कांड, भूल गए आप बताइए ना बलरामपुर का, भूल गए आप बाराबंकी में भी इसी तरह शौर्य चला दिया बच्ची का। आज का सम्मेलन पर आपका है, आप इधर हो जा रहा किसी और दिन बात करेंगे, जवाब देना ये तो मेरा राजनीतिक धर्म है, अगर आरोप लगाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। कानून व्यवस्था ये आतंकवाद के पोषक है लोग, और आज भी फैला रहे हैं यहाँ पर, वो सब दिख रहा है। आए दिन आपके आतंकवादी प्रवक्ता किस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं वो सब दिख रहा है। किसानों को चुनौती दी थी, अब अगर थोड़ी भी नाक बची हो तो जाके माफी भी मांग लीजिएगा किसानों से। सर कानून व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे माननी है, कानून व्यवस्था पे फिर किसी दिन हम लोग आपको आमंत्रित करेंगे आप लोगों को। किसान हमारे साथ है, किसान आपके साथ नहीं हमारे साथ है। वो 3.5 लाख भीड़ जो है वो खालिस्तान से आई है ना, खेतों में जो मुजफ्फरनगर के सीमा पे बैठे हैं वो सब तालिबान से आए हैं।
नहीं देते हैं वो देशद्रोही है। क्यों भाई, ये परंपरा तो भाजपा ने शुरू की है, ये परंपरा तो भाजपा ने शुरू की है। विपक्ष के जन नेताओं के ऊपर आरोप और कटाक्ष और गंदे वक्तव्य देने का तो शिष्टाचार है आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी का शिष्टाचार ही है। अमर्यादा तो आपकी पार्टी का पहला शिष्टाचार है। भूल गए साक्षी महाराज जब एक बच्ची की चिप उड़वा रहे थे? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। देखिए मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है वो मुद्दा बहुत ही अहम है, और उस मुद्दे के अलावा अगर हम लोग कहीं और जा रहे हैं तो जो मुद्दे आप लोग हमें देंगे हम उस पर भी आगे चल के चर्चा करेंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था हो गई या फिर जितने भी अलग अलग बातें जो हो रही हैं। अभी जो सबसे अहम बात ये हुई है, ब्राह्मण वोट बैंक या ब्राह्मणों को साधने के लिए जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अलग पार्टियां दूसरी कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी वो चीज नहीं कर रही है जैसा कि अश्विनी जी आपने कहा है। तो अब आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि इनको जवाब भी तो देना पड़ेगा ना भाई। अगर वो ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए, तो आप उसका क्या जवाब तैयार करते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये ब्राह्मण वोट बैंक आप लोग के खाते में आएगा? क्योंकि 2012 से कहीं ना कहीं 80% जो वोट बैंक रहा है ब्राह्मणों का वो आपके पास आया है, लेकिन इस बार जो नाराजगी दिखाई जा रही है विपक्षियों की तरफ से, क्या ब्राह्मण नाराज है आप लोगों से? और अगर नाराज है तो उसका जवाब क्या तैयार किया आप लोगों? एक वही मैंने कहा, ये भ्रम का एक मायाजाल फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण तरीके से ये हो कि हमको हमारा तिरस्कार हो रहा है, उसको बहुत बड़े तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है उसी के लिए, जबकि हमारा जाति पात से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी कहा सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हम चल रहे हैं। आज जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, हमारे एक किसी साथी ने कहा था कि प्रबुद्ध वर्ग आपने नोटिस नहीं किया नितिन जी, प्रबुद्ध वर्ग मतलब पढ़े लिखे। अरे मान्यवर को पता नहीं है कि इस समय उत्तर प्रदेश में साक्षरता का दर कितना है, प्रबुद्ध उसको भी कहते हैं जो साक्षर है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम हर वर्ग में जा रहे हैं। और नितिन जी ये जो ब्राह्मण का नाम है या किसी दलित का नाम है नहीं कहता हूं, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। अब मैं एक उसका नमूना बता देता हूं। ढोंग में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर पहले चूंकि कोर्ट ने रोक रखा है तो उसका नाम बदल दिया गया था, उन लोगों ने सम्मेलन किया लेकिन किसी ब्राह्मण महापुरुष की फोटो उनके होर्डिंग पे नहीं लगी। सभा ने किया, समाजवादी पार्टी के किसी भी ब्राह्मण का नाम नाम वो नहीं लगा। अटल जी की भी नहीं दिखाई दे रही है कहीं पे फोटो, तो अटल जी की भी नहीं दिखाई दे रही, ना अडवाणी जी की दिखाई दे रही है कहीं पे, और ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है कि अडवाणी जी को किस तरह से बेइज्जत करके मंच से हटा दिया गया। सिंगर फेंकने वाले अखिलेश यादव के पार्टी के नेता आप हैं इतना, और अभी परसों जो है तो मजा आपको जवाब दे रहा अडवाणी जी की भी नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश सुन लीजिए, वो हमारे प्रणेता है और ये अखिलेश यादव जी की आपा जान है, नजदीकी है। ये आपका शिष्टाचार है, ये आपके भाजपाई संस्कार है, ये आपके भाजपाई संस्कार है, राय ले लेते हैं, ये आपके भाजपाई संस्कार है जो महिलाओं के प्रति और बुजुर्गों के प्रति हमेशा असंवेदनशील रहे हैं, और इतने निकृष्ट वक्तव्य आप ही दे सकते हैं भाजपा वाले, मानता हूँ। तभी आपके स्वतंत्र देव सिंह अपना छोड़ करके पल्ला चले आए थे आशीर्वाद देने मुलायम सिंह जी के दरवाजे, आमंत्रण देने गए थे, वो तो पहले ही उनको न्योता दिया है, आमंत्रण देने गए थे। मैं पता नहीं आमंत्रण देने गए थे कि पार्टी ज्वाइन करने गए थे, नहीं वो आमंत्रण देने गए थे, आप भी नहीं देंगे तो बारिश तो सब करेंगे। आमंत्रण देने गए थे कि अपनी गाथा रोने गए थे भाई। मुलायम जी तो देखिए जीता जागता राजनीतिक पूरा, मैं उनको ग्रंथ मानता हूँ, उनसे तो मोदी जी भी बड़े शिष्टाचार से पेश आते हैं, लेकिन ये बीच में जो कुछ नई जड़ें पैदा हो रही हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए लोग ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं ताकि इनको ऊपरी जो नेतृत्व इनका है, जो आपराधिक मानसिकता का नेतृत्व है, वो थोड़ा इनको देखते हुए इनके लिए भी जगह बना दे। तो जो है जितने सपा में है, सपा के आपराधिक मानसिकता, माफ कीजिएगा 114 आपराधिक विधायक, एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट है, इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट है कि वर्तमान में 114 दागी विधायक सदन में आपके हैं भाजपा के, और 27% आपके मोदी जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है उसमें दागी सांसद है। क्या बात करेंगे हम बाकी लोगों को भी जोड़ते हैं, अश्विनी जी हम बाकी लोगों को भी जोड़ते हैं। अभिषेक होता कुछ पता नहीं होता, बस अभिषेक वाजपेयी मैं आपके पास आता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? क्योंकि सवाल कुछ और पूछो जवाब कहीं से कुछ और निकल जाता है, ऐसा जैसा कि अभी यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा जो ये सम्मेलन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इससे बीजेपी को कितना नुकसान और कितना फायदा मिल सकता है? इसके अलावा कांग्रेस अपनी रणनीति, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी एक अलग रणनीति है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम किसी भी जात विशेष का नाम या किसी जात विशेष के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, ना मांगा है ना मांगे। ब्राह्मणों के लिए आपने किया है, आपने 6 बार मुख्यमंत्री बनाया, ये बात आपने जरूर कही, इस बार की क्या तैयारी है, क्या तैयारी आप लोगों ने करी है इन विपक्षी पार्टियों को जवाब देने के लिए जिन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर डाले हैं या कर रहे हैं?
देखिए परेशानी ये है कि कुछ पार्टियां अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो सम्मेलनों के पीछे अपनी कमियां छुपाने की आड़ कर रही है, कोशिश कर रही है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जहां तक आपका प्रश्न हमारे लिए है, तो हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, हमारे लिए जनता के मुद्दे प्राथमिकता है, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उन मुद्दों को हम सड़क से लेकर के सदन तक उठा रहे हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पे तकरीबन 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए गए, वो भी इस वजह से क्योंकि महंगाई पे भी हमने विरोध किया, हमने महिला सुरक्षा पे भी विरोध किया, हमने हर एक मुद्दे को प्रखर तरीके से उठाया है और सड़क पे सदन तक पूरा उठाया हुआ। तो विरोध करने में और लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर आप देखिए, विरोध करने में मुकदमा होता है तो क्यों नहीं होता है? अभी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कैसे कैसे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे कैसे अभी अश्विनी जी बोल रहे थे कि लोकतंत्र की बात जब कर रहे थे तो कैसे इनको बताना चाहिए था कि कैसे जो उन्होंने चुनाव जीता, लाठी डंडा कट्टा बम बारूद इन सब के माध्यम से चुनाव जीता जीता। अब अगर इन्होंने आप दूसरे रूप में देख लीजिए कि अगर इन्होंने काम किया होता तो शायद इन सब चीजों की आवश्यकता ना पड़ती। और मैं बड़े ही गर्वान्वित होकर के कहता हूं कि आज माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में हम सब काम कर रहे हैं और वही इकलौती एक ऐसी महिला है जिन्होंने विपक्ष के जब एक महिला नेत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चीरहरण कर प्रयास किया था, खुलेआम प्रयास किया था चुनाव उसमें, तब क्या हुआ था, तब भी उसका हालचाल लेने के लिए सिर्फ माननीय प्रियंका गांधी जी गई थी। मैं बड़े गर्वान्वित होकर के ये बात कह रहा हूँ क्योंकि यह भी एक शिष्टाचार में आता है, यह बताता है कि कौन व्यक्ति कितनी जमीन से जुड़ा हुआ, कौन व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सबसे जरूरी चीज है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारी रणनीति क्या है, हम सबको लेकर के चलेंगे, क्या विपक्ष है क्या कोई पार्टी है, क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता वो जनता ही है और जनता ही बुनियाद है और अगर हम जनता को भूल जाएंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या बीजेपी वो बात अलग है कि आप बात अलग है कि अभी आप मलाई और चाशनी चाटने के लिए आप सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे लेकिन उसके बाद आपको 5 साल बाद जवाब आपको देना ही पड़ेगा, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की गोद में जाकर के पुनः बैठ गई है और श्री रामचंद्र जी का वापस से नारा लेकर के आ रही है। उत्तर प्रदेश के विकास पर आप लोग इतना सवाल क्यों खड़ा करते हैं, नहीं दिख रहा है विकास हो रहा है भाई? हर मुद्दे पर अगर हम किसी की भी बाइट ले या किसी से भी बात करें तो सब यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास इतनी बेहतर तरीके से हो रहा है और उसी से ये जो विपक्षी हैं वो जलते हैं। आपके बयान से ऐसा ही लग रहा है कि जनता नाराज है और इसी वजह से हम उसे साधने में लगे हुए हैं। देखिए अगर विकास हो रहा होता तो मैंने अभी आप इसके पहले ही मैंने आपसे कहा कि अगर विकास हो रहा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए लाठी डंडा कट्टा बम बारूद का इस्तेमाल न करना पड़ता और कैसे आए दिन सुरक्षा के नाम पे महिलाओं का क्या हो रहा है ये सबने देखा हुआ, कैसे भी कुछ दिन पहले भी हमारी छोटी सी बहन का शोषण हुआ था और उसके ऊपर कैसे उसकी इज्जत तार तार हुई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं हुआ। कैसे गरीब व्यक्ति जो गोलोकवासी हो गए कोरोना काल में, कैसे इनके अपने मंत्री ने अपने भाई को नौकरी दिलाने के लिए अश्विनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभिषेक अश्विनी जी ने कोई जवाब तैयार किया है आपके लिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं अश्विनी जी बोलिए। एक भाई का जवाब ये देते हैं, इन्होंने कहा लाठी डंडा और कुछ, देखिए शस्त्र और शास्त्र दोनों चीजें होती हैं और भारतीय जनता पार्टी पहले शास्त्र लेके चलती थी तो यहाँ पर जो है लोगों ने जिंदा नहीं रहने दिया, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करना सीख गई है। चलिए समाचार उस तरीके से जो है चीजें चल रही है। सर ये सही कितना है? मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कहा कि आपने कम से कम इनडायरेक्टली वे में कम से कम माना तो सही इस बात को। नहीं मानना जरूरी है, मानना इसलिए जरूरी है कि भाई आप ये कहेंगे कि भाई आपकी पार्टी दूसरी है जी। मनोज जी कह रहे हैं, ये विवेक जी कह रहे हैं कि पहला राजनीतिक शख्स मैंने देखा है जो इस तरह की बात कर रहा है। सही बात है, ऐसा ये एकदम बोलना जरूरी है। विवेक जी की तरह थोड़े यादव आसपास में फंसे हुए हैं। अच्छा ये अपनी सत्ता भूल जाते हैं, अपनी सत्ता में भी तो ये लोग इसी तरह करते थे। नहीं नहीं हम तो मानते हैं हमारी सत्ता को, काश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया होता जंगल राज्य तो हम भी मान लेते हैं, राम राज्य भरोसे कह दिया होता हम मान लेते हैं, हमारे लिए काश इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया होता हम मान लेते हैं, लेकिन इतिहास में तो दर्ज हो गया ना
कि जंगल राज जो है वो कायम है एक दिन और एक सब दिन कुछ राम राज के भरोसे ही डिबेट रख लिया जाता है, सभी लोग को बुला लीजिए तो सबका जवाब मिल जाएगा। मैं जल्दी इस विषय को रखने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज एक दूसरे मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे लेकिन चले कहीं और जा रहे रह रहकर, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इस पर चर्चा करेगा या सोच लीजिए जी। मनोज जी, विवेक जी चलिए, मैं आपको बता दूं, आज हमारा जो चर्चा का विषय था ब्राह्मणों का सम्मेलन, ठीक, मैं आपको एक प्रबुद्ध वर्ग को लेकर के, माफ कीजिएगा, मैं आपको बता दूं, देखिए भाजपा के शालीन प्रवक्ताओं ने आवरण रूपी शब्दों से बड़े बाण चलाए कुछ दिन पहले, इन्होंने कहा, मेरी बात पूरी हो जाए, आप अकेले प्रवक्ता नहीं है ना, बहुत सारे प्रवक्ता और भी आपके हैं, आवरण रूपी शब्दों से बाण चले कि ब्राह्मणों को लेकर के सभी चिंतित है, ब्राह्मण को रिझाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन आज क्या हुआ, आज देखिए आप खुद उसी परिधि में खड़े हो गए। क्या होता है कि जब एक विशेष वर्ग को लगातार शोषित करके पीड़ित करने का प्रयास किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं से आवाज बाहर आती है, दर्द बाहर आता है। आज इको गार्डन में क्या हो रहा है, भाजपा का मुख्य केंद्र है ये लखनऊ, इको गार्डन में क्या हो रहा है, 69,000 भर्ती, 2486 भर्ती के बच्चे मृतक, आश्रित पुलिस कर्मियों के बच्चे जब इनके कार्यालय जाते हैं तो उनको लाठियों से पीट करके घसीटा जाता है, शिक्षक भर्ती वालों को 78 दिन हो गए, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, उनको पीटा जाता है, घसीटा जाता है, वो बाकायदा एक पार्टी का कार्यालय है, वक्तव्य ये जारी किया जाता है कि वहां पे इस तरह की समस्याओं को लेके जाने का क्या अर्थ। तो ये तो इनकी राजनीतिक संवेदना है जो कि जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करती है इसी वक्तव्य के माध्यम से। दूसरी बात, क्या आप कभी आंदोलन नहीं करते थे, बताइए कभी आपके आंदोलनों पे लाठियां चलवा करके दमन करने का प्रयास किया गया हो, लेकिन जो परंपरा आपने शुरू की है, मान के चलिए कि अगर सरकार पलटी तो इस परंपरा को हम भी कायम रखेंगे और बुलडोजर कैसे चलता है हम भी दिखाएंगे, एनडीए के बेस पे जो फाइलें पड़ी धूल फाड़ रही है भाजपा के नेताओं की, उन फाइलों को दिखाएंगे हम और बताएंगे कैसे विधि पूर्वक बुलडोजर चलता है। अब आइए ब्राह्मणों पे, जो ब्राह्मणों की, आम ब्राह्मणों की संपत्तियों पे भाजपा के पदाधिकारियों ने कब्जा कर रखा है, अवैध निर्माण कर रखा है, तो मैं कहना चाहूंगा योगी जी कि अगर आपके पास उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए तेल ना हो तो पैसे हम भिजवा दें। आप बताइए ना मुझे, आप बताइए आपके भाजपा के पदाधिकारियों ने जो अवैध कब्जे, अवैध निर्माण कर रखे हैं उन पे बुलडोजर चलेगा, आपकी आपकी संरक्षण दिया जाएगा, सपा की सरकार आएगी तो क्या करेंगे, सपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने आपको एक हिंट दे दिया, एलडीए के बेसमेंट में देखिए फाइलें धूल फाक रही है, अगर आप स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो जाइए करके देख लीजिए, आपको बहुत कुछ वहां पे ऐसा मिल जाएगा जो कि ऑफ द रिकॉर्ड दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं से कुछ है मेरे पास तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हम इसका क्या क्या सोचे, क्या कर पाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ भाजपा के अवैध जो पदाधिकारियों ने अवैध कब्जे और अवैध निर्माण कर रखे हैं, एक पदाधिकारी का नाम बताइए किसी के अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चलाया हो तो, बताइए ना, ब्राह्मणों की संपत्ति कब्जा करके रखी है, और बताइए, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा ब्राह्मणों की संपत्ति तक कब्जा करके रखी है इन्होंने, इनके पदाधिकारियों ने, बताइए ना, ये योगी जी को दिखाई नहीं देता, अवैध संपत्ति अवैध निर्माण केवल वो उनकी दिखाई देती है जिससे उनको राजनीतिक हानि होने की संभावना है। चलिए हम सुभाष जी के पास चलते हैं, सुभाष जी देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, जिस तरह से ये ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ये सारे जो सम्मेलन चल रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी अलग अलग तरह के सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं क्योंकि चुनाव मुश्किल से 5 से 6 महीने का समय उसमें बचा हुआ है, उस बीच अन्य जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर बिल्कुल भी नजर नहीं है, एक तरफ जहां बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के सम्मेलन उत्तर प्रदेश में होना कितना सही है और इसका कितना फायदा जो है वो आने वाले चुनावों में पड़ेगा। नितिन जी, आपका सवाल जो है उसके सवाल के अंदर एक सवाल मेरा छोटा सा है, उन सवाल का जवाब मेरे जो प्रवक्ता लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के हो गए या समाजवादी पार्टी के हो गए, कांग्रेस के प्रवक्ता तो उसका जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन उनकी पार्टी कर ही नहीं रही है, ये दोनों ही पार्टियां बोल रही है कि हम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर ही नहीं रहे या ये ब्राह्मण सम्मेलन कर ही नहीं रहे। अगर आप लोग ब्राह्मण सम्मेलन कर नहीं रहे हो तो मेरा सीधा सा सवाल ये, इसका मतलब आपको क्या ब्राह्मण वोटों की जरूरत ही नहीं है? अगर आपको ब्राह्मण वोटों की जरूरत है तो फिर उसको प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का नाम क्यों दिया जा रहा है? लेकिन इस डिबेट का जो मेन मकसद है, बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं शांति से आप लोगों की बात सुन रहा था, चिल्लाने से अपने बीपी को बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, बात यहाँ पे ये हो रही कि जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग डिबेट कर रहे हैं वो मुद्दा तो मुझे लग रहा कहीं कोसों पीछे छूट गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उस मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे। अगर ब्राह्मण मतदाता आप लोगों के लिए कुछ महत्व नहीं रखता तो फिर सम्मेलन करवा क्यों रहे हैं? अच्छा, इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता भी भ्रमित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी पार्टियां, ये पांडे जी कुछ और कहो और फिर कहते कहते कुछ और, निश्चित तौर पर नितिन जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से
सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। इस सवाल के अंदर विकास की कोई बात ही नहीं हो रही है। अभी जो हमारा जो प्रदेश है, जो राजनीति चल रही है, चाहे प्रदेश के सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हो, चाहे विपक्ष के लोग कर रहे हो, ये कौन सी परिपाटी की तरफ जा रहे हैं? ये दागी विधायक की बात करते हैं पांडे जी, अभी इनका रिकॉर्ड निकाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी दागियों की भरमार पड़ी हुई है। ये किसी और को न बोलने से पहले अपने गिरेबान को भी देखा जाए। वर्तमान सरकार जो कि आई थी सुशासन, पांडे जी मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपने जो बोला कर रहा हूँ, मैं भी आपकी का जवाब लेके जा रहे हैं उस परिपाटी को कि बुलडोजर चलवाएंगे। इतनी बड़ी फाट क्यों पड़ी? अखिलेश यादव जी ने अगर डीपी यादव जी का उस दिन टिकट फाइनल कर दिया होता तो शायद वो विध्वंस नहीं होता, लेकिन अपराधीकरण को दूर करने में अखिलेश यादव जी ने जो आम भूमिका निभाई, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपकी सरकार लेकिन कानून व्यवस्था पर ही गई। आप अगर उसका स्वागत करते हैं तो जनता ने जिस मुद्दों में दरकिनार किया हमने उसका भी स्वागत किया। नितिन जी बोलने का मौका दिया जाए, समय कम है। सुभाष जी बिल्कुल अपनी कम समय में अपनी बात जो है, ये अपने नेता अखिलेश यादव जी की तारीफ कर रहे हैं, चलिए मैं उनकी बातों को मानता हूं, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने इसी डिबेट के अंदर खुले शब्दों के अंदर धमकी दे डाली है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके अलावा हम लोग भी सरकार में आने के बाद बुलडोजर चलवाएंगे। ये तो परंपरा ये की है ना? आप कौन सी परिपाटी की तरफ लेके जाते हैं? आपके नेता की मिसाल दी जाती है। आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए ना। परंपरा से कहीं ना कहीं जनता का मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए ना। आपके नेता ने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस रूट पर चल रही है या जिस रास्ते पर चल रही है उसी पर पार्टी के ऊपर हम चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं वरन पूरे भारत देश के अंदर अखिलेश यादव को बहुत ही अच्छे नेता के रूप में गिना जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को कभी गुस्सा नहीं आता या उन्होंने कभी रूडली किसी व्यक्ति से बात की। लेकिन आप भाजपा, लेकिन आप जिस तरीके से सपा प्रवक्ता बन के बैठ के और इस तरह आप बोल रहे हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसी परिपाटी को हम निभाएंगे, यानी खुले शब्दों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रहे हैं पूरी तरीके से। इससे कहीं ना कहीं जनता का काफी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल। हमें इसी डिबेट को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि समय खत्म हो चुका है। साथियों देखिए उत्तर प्रदेश का हालात क्या है, क्योंकि जब आप किसी विषय पर सवाल करते हैं तो वह विषय भटक जाता है और दूसरे नए मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं। आने वाले दिनों में ये ब्राह्मण और ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कितना असर देगा ये देखना होगा। आज के डिबेट में इतना ही, हम अन्य मुद्दों पर आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। नमस्कार। नहीं, ऑक्सीजन नहीं दिया मैंने।